नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज जिला मुंगेर आरडी और डीजे कॉलेज स्थित मुंगेर विश्वविद्यालय परिसर में मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति रंजीत वर्मा का छात्र राजद की टीम के द्वारा पुतला फूंका गया। छात्र राजद की टीम के द्वारा मीडिया को दिए गए बयान में बताया गया कि विश्वविद्यालय में 20% सीट की बढ़ोतरी तथा स्पोर्ट्स एडिशन कोटे की बची सीट को फिर से नहीं जारी करने को लेकर तथा 3 बार से ज़्यादा ज्ञापन सौंपने के बावजूद सिर्फ आश्वासन देना, कार्रवाई नहीं करने को लेकर आज मुंगेर विश्वविद्यालय कुलपति का पुतला फूंका गया। छात्र राजद की टीम के द्वारा कुलपति महोदय को आगाह करते हुए कहा गया कि इस बार तो सिर्फ पुतला फूंका गया है, अगली बार से आमरण अनशन पर बैठकर विश्वविद्यालय के गेट पर इन आउट को रोका जाएगा। जब भी छात्र छात्राओं को परेशानी होगी, छात्र राजद की टीम उनके हित के लिए विश्वविद्यालय में तत्पर खड़ी रहेगी। देखिए हमारे संवाददाता सोनू झा की ये खास रिपोर्ट। का पुतला दहन इस कारण किया है क्योंकि भीसी सर को 3 बार ज्ञापन देने के बावजूद भी ना ही 20% की सीट की बढ़ोतरी हुई है और ना ही जो कि स्पोर्ट एडमिशन का सीट बचा हुआ है उस स्पोर्ट एडमिशन को फिर से दिया गया है। इसी चीज को लेकर आज हम लोगों ने मिलकर छात्र राजद की टीम पूरे मिलकर भीसी सर के पुतला को दहन किया है। इससे 4 बार के लगभग स्पोर्ट एडमिशन को लेकर मैंने ज्ञापन भी सौंप दिया था और इधर 2-4-5 दिन पहले मैंने भीसी सर से मिला भी था, लेकिन बार बार हम लोगों को एक आश्वासन दिया जाता है लेकिन आश्वासन दे दे के बार बार हम लोग आतंक हो चुके हैं। इसी कारण आज हम लोगों ने भीसी सर का पुतला दहन किया। छात्रों के हित में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके छात्र राजद की पूरी टीम छात्र छात्राओं के लिए तत्पर खड़ी रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस बार तो पुतला दहन किए हैं लेकिन अगली बार से हम लोग ठीक ना आमरण अनशन पे बैठने का काम करेंगे और जब तक कि हमारी मांगों को पूरी नहीं होगी तब तक यूनिवर्सिटी के गेट पे ही बैठे रहेंगे, ना ही इन और ना ही अब की कोई भी ऑप्शन छोड़ेंगे हम। श्रवण कुमार, छात्र राजद विश्वविद्यालय अध्यक्ष, मुंगेर। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।